फाइनली अपन को रूम मिल गया है, अब अपन कर रहे हैं चेक इन, कमरे में जल्दी से चलते हैं। वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और अभी बज रहा है 8, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं अच्छे तरीके से निकलने के लिए। डैडी ने बैग भी सेट कर दिया, डैडी भी अच्छे तरीके से तैयार हैं, देखो अभी भी रेडी हो चुका है। और ये मेरे कपड़े जो पहन के जाऊंगा, बढ़िया रात का सफर है तो लोअर वगैरह पहन के जाएंगे, है ना, चदरा वगैरह रख लिया है, या अपना ट्राईपॉड निकलेंगे। वैसे ही बड़ी उप्पी आ जाएंगी, तो बड़ी उप्पी तो अब फिर आए वहाँ से लौट के, जब जयपुर से आएंगे तभी मिलना हो पाएगा, तभी मैं आप लोगों को मिलाऊंगा। तो अभी जल्दी से फिर निकलते हैं। मैं तो रेडी अब नहीं हुआ हूँ, मतलब मैं बस तैयार होने के लिए जा रहा हूँ। डैडी एकदम बढ़िया तरीके से, देखो आप, रात का सफर है तो लोअर वगैरह पहन के तैयार है अभी, जस्ट मैं तैयार होकर जल्दी निकलने वाले। डैडी को तो अभी मैं भी रेडी हो चुका हूँ, डैडी भी रेडी हो चुके हैं, तो बस जल्दी बिल्कुल बैग में उठा के अभी हम लोग निकलने जा रहे हैं। बिल्कुल चलो निकलते हैं जल्दी से, सामने मनीष भैया है ना, वो भी मतलब तो वो भी चलेंगे अपने साथ, बढ़िया। तो अभी मैं उनको जा रहा हूँ बुलाने के लिए, डैडी भी डैडी निकलेंगे। चलो फिर तो अभी चलते हैं, उनको बुलाते हैं। भैया जी को पिकअप कर लिया, अभी चलते हैं जल्दी से बस स्टैंड पे, वरना बस निकल जाएगी। चले जल्दी से, ओके चलो जल्दी आ जाओ। सब लोग आ रहे हैं उनको जीजा जी को छोड़ने के लिए, तो अभी अपन भी चलते हैं, बढ़िया। और सामने से मम्मी भैया भी आ गए हैं। तो बस स्टैंड चल, कहाँ तक चल रहे बस स्टैंड पे? बस स्टैंड टाइम होता है बेटा, 10 मिनट है, मात्र 10 मिनट। हम जल्दी स्पीड में निकलेंगे, तो हम लोग निकलते हैं, आप जल्दी आओ, स्पीड में तुम नहीं बेटा, बड़ा टाइम लगेगा। सब लोगों को तो छोड़ दिया है, बाकी जो मेन है जीजा जी और दीपा दीदी और मोहित, हम लोग जा रहे हैं बस। तो बस एक दो लोग ही आए हैं छोड़ने के लिए, तो अभी जल्दी से चलते हैं, सीधे मिलता हूँ आपसे बस स्टैंड पे। तो गाइज अभी हम लोग खड़े हैं पुल पे, ये पुल का ओवरव्यू है भाई, क्या ही सीन आ रहा है यार, क्या ही व्यू आ रहा है, देख लो आप एक बार। लाइटिंग वॉच करते चलो, चलते हैं वरना बस का टाइम निकल जाएगा। तो अभी जस्ट बस के पास पहुंच गए, बस खड़ी है अपनी, चढ़ते हैं बस में। और यहाँ पे बैठ के थोड़ा बस का वेट करेंगे, जब तक वो निकलती नहीं है, यहाँ पे चल रहा बढ़िया आई है। और सब लोग इधर बैठ गए, तो बोलू मामा भी आ गए, रावण मामा सॉरी, अरे मैं नाम में कन्फ्यूजन हो जाता हूँ। और डीसी का मैच चल रहा है, माही भाई माही मार रहा है, माही भाई तेरी है भाई मौसी। वेट करने के बाद हमारी बस आ गई है, चलते जल्दी से, ट्रक आ रहा है। कौन सी वाली झूठा लगी ना मैं लगा। तो ये लोग चले गए और हमें भी बस में जगह मिल गई है, चढ़ के बैठ गए, बढ़िया सीट खिड़की वगैरह खोल ली है, बैग छतरा सेट कर लिया है, बस चल दिया, बढ़िया देख लो आप, बढ़िया बाहर का व्यू, एक नंबर आइटम। टोकन ले लो भैया, चाय पानी चाय नाश्ता हुआ है, टोकन ले लो। जयपुर में बालाजी नाम की एक जगह है, तो अभी हम उस जगह पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर सभी बस आके स्टे करती हैं। देखो अभी मेरे पीछे ऊपर बस आई है, देख रहे हो, तो यहाँ पे कम से कम नहीं तो एक घंटा रुकती है सारी बसें, और जितने भी लोग हैं खाना पीना खाने के लिए उतरते हैं तो सभी लोग अभी उतरे हैं, हमारी बस भी कम से कम एक घंटा रुकेगी। आप देखो इस जगह के मजे लो, बढ़िया। और अभी बज रहा है 4:30, तो अभी यहाँ पे देखते देखते 3 बस लग चुकी हैं, अभी देखते हैं और कितनी आती हैं। तो अभी अपन चलते हैं अंदर होटल में, मतलब ढाबे पे, और बैठते हैं क्योंकि बैठने का कोई पैसा नहीं है। तो यहाँ पे अभी छोटे छोटे बच्चों के खिलौने मिल रहे हैं इधर ही, और बगल में साइड में स्टॉल है चाय वगैरह का, बढ़िया इधर नमकीन वगैरह बिस्कुट। तो
अभी डैडी और मनीष भैया ले रहे हैं इधर कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बढ़िया, और मैं तो सुबह सुबह बड़े ही खाऊंगा। देखो ये लोग भी नहीं पी रहे, बड़े ही खाएंगे बढ़िया। खाएगा यार बड़े बड़े नहीं कचौड़ी है। हाँ जो कचौड़ी है बड़े पेट पकौड़ा चलिए वो देख लेंगे। तो अपनी चाय आ चुकी है, तो अपन बैठ के यहाँ पे एंजॉय करते हैं बढ़िया। एक नंबर ढाई बज रहा है, ढाई बजे इन लोगों ने बस लगा दी है, तो गलत टाइम बता दिया था मैंने गलती से। अपने ब्रेड पकौड़े भी आ गए हैं, रेडी लिया बढ़िया, मैं कि ब्रेड पकौड़े खाऊंगा बस, तो उसको जल्दी से एंजॉय करते हैं नाश्ते को। नाश्ता वगैरह तो हो गया है, अब चलते हैं वापस गाड़ी में। अंदर लग चुके हैं चार बसेस है ना, और भाई भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है, तो वापस से चढ़े जा रहे हैं सब लोग। पहले वो वाली बस निकलेगी, उसके बाद फिर ये निकलेगी, उसके बाद फिर हमारी निकलेगी, तो अभी तो बस निकलने में भी बहुत टाइम लगेगा। ओ यस अपनी चल गई, इसके बाद जस्ट पीछे पीछे तो भी मड़ी मड़ेगी, और ये लोग सब लोग खड़े हुए हैं। मैंने लिए अपनी बस निकल चुकी है, अगर मैं रीच हो चुके हैं यानी कि पहुंच चुके हैं, मेरे साथ डैडी चल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे स्टेडियम यहाँ से बहुत ही करीब है, 1.3 किलोमीटर है। तो जस्ट हम लोग नारायण सर्वगल पे उतरे हैं और अभी जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ, वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करके फिर निकलेंगे घूमने के लिए बढ़िया। नारायण सर्कल पहुँच गए हैं, भवानी रोड है, और पीछे वो देखो देख रही आपको लाइटिंग, इधर ये स्टेडियम कॉम्प्लेक्स वगैरह की, इधर जाके थोड़ा फ्रेश व्रेश हूँ, फिर उसके बाद फिर निकले हैं स्टेडियम के लिए। स्टेडियम पास में, इसके पास में कोई कॉम्प्लेक्स मिल जाए तो बहुत बढ़िया जगह है जयपुर। तो एक दिन में तो ये घूमने से रहे, तो जितना घूम पाएंगे उतना दिखा दूँगा। भी हो गया है, थोड़ी रोशनी भी हो गई है बढ़िया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिंधी कैंप, सिंधी कैंप पे कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह ढूंढेंगे उधर, फिर बढ़िया फ्रेश व्रेश होकर फिर आएंगे दोबारा इधर स्टेडियम की तरफ। तो फाइनली अपन को रूम मिल गया है, अब अपन कर रहे हैं चेक इन, कमरे में जल्दी से चलते हैं। क्या रोहित सिंह तो रोहित सिंह नाम से इनका इंस्टा पर चैनल है, ये रील सुनाते हैं भैया, एक बार जाके इनको फॉलो जरूर कर लेना। जा रहे हैं ये रूम कैसा है भैया, मैं तो सही है दो दिनों के हिसाब से, तो नीचे जा रहा हूँ मैं ताला लेने, ताला लगा के, क्योंकि हम लोग जाएंगे तो ताला वगैरह लगा के जाएंगे, तो नहीं चलते ताला लेकर आते हैं। बज रहा है 8:30 बज रहा है, और हम लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी हो चुके हैं, रेडी भी हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अभी जस्ट हम लोग बस निकल के यहाँ पे पैकिंग वैकिंग को छोड़ नहीं रहे, निकल रहे हैं बस, और फिर वहाँ पे फाइल वगैरह जमा कराएंगे, फिर तो बस घूमते फिरेंगे बढ़िया। अगर टाइम तो हमारे पास कम ही है, 5 बजे तो 5:45 पे तो हमें वहाँ पे पहुँचना है स्टेशन पे, हमारी ट्रेन है, तो जितना घूम पाएंगे वो दिखा दूँगा।